हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है पिकासो मल्टीमीडिया यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं कैसे यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आप कोई भी ब्राउज़र में आ जाइए। ब्राउज़र में आने के बाद आप जीमेल अकाउंट लॉगिन कर लीजिए। अगर आपका जीमेल अकाउंट नहीं है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर क्रिएट अकाउंट करिए और अपना जीमेल अकाउंट बना लीजिए। इसके बाद आ जाइए यूट्यूब पर। यूट्यूब पर आने के बाद आप अपना जो प्रोफाइल पिक्चर दिख रहा है यहाँ पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप क्रिएट ए चैनल पर क्लिक करिए। क्रिएटेड चैनल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देगा गेट स्टार्टेड। यहाँ पर आप गेट स्टार्टेड करिए। इसके बाद यहाँ पर पूछा जाएगा कि आप जो चैनल क्रिएट करना चाहते हैं उसका आपका जो जीमेल का जो नाम है वही नाम पे करना चाहते हैं या दूसरा नाम पे। चलिए, मैं फिलहाल दूसरा नाम पे करना चाहूँगा, इसलिए मैं ये वाला कस्टम नेम पे सिलेक्ट करता हूँ। कस्टम नाम पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मुझे जो यूट्यूब चैनल का नाम देना है वहाँ पर मुझे नाम डालना है। चलिए, मैं फिलहाल डेमो को लेकर रहा हूँ, इसलिए मैं डेमो नाम यहाँ पर दे रहा हूँ। इसके बाद ये जो चेकबॉक्स है यहाँ पर क्लिक करिए, फिर क्रिएट करिए। ये आपका चैनल सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। इसके बाद आप यहाँ पर अपना प्रोफाइल पिक्चर ऐड करिए। यहाँ पर नॉर्मल क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको जो प्रोफाइल पिक्चर रखना है, जैसे मुझे ये रखना है, फिलहाल मैं ये वाला इसको प्रोफाइल पिक्चर सिलेक्ट कर देता हूँ। ये हो गया। इसके बाद आपको कुछ डिस्क्रिप्शन देना है। जैसे मान लीजिए आप जो चैनल बना रहे हैं ये किसके लिए बना रहे हैं, किस चीज़ के लिए है, उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए। तो मैं फिलहाल यहाँ पर डेमो टेक्स लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे अभी ये नॉर्मली आप लोगों को दिखाने के लिए चैनल बना रहा हो। इसके बाद आपसे कुछ लिंक यहाँ पर ऐड करने के लिए पूछा जाएगा। अगर आपके पास कोई वेबसाइट है, यहाँ पर आप वेबसाइट डाल दीजिए, या तो इसके बाद आप अपना फेसबुक आईडी, ट्विटर आईडी, इसके बाद इंस्टाग्राम का आईडी का जो लिंक यहाँ पर दे दीजिए। उसके बाद नॉर्मली सेवन कंटिन्यू पे क्लिक करिए। सेवन कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने पूरा आपका जो यूट्यूब चैनल का जो डैशबोर्ड है ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप सबसे पहले काम करिए, यूट्यूब कस्टमाइज में आइए। कस्टमाइज चैनल पे आने के बाद आपका यहाँ से जो चैनल आर्ट है, या फिर चैनल आर्ट जो चैनल का जो कवर फोटो होता है, या फिर आप सेट कर सकते हैं, या सर लोगो है जो लोगो आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आप सबसे पहले आइए, फिर अपना प्रोफाइल पे क्लिक करिए, या यूट्यूब स्टूडियो पे आइए, क्यों नॉर्मल क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप अपना वीडियो अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर नॉर्मल क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको जो पर वीडियो है, आप वीडियो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। वीडियो सेट करके आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं। चैनल पे फर्स्ट वीडियो अपलोड करने से पहले कुछ नॉर्मल सेटिंग कर लेना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, उस सेटिंग के बारे में आप जानते हैं। सबसे पहले आप फिर एक बार यूट्यूब में आ जाइए। यूट्यूब में आने के बाद आपका प्रोफाइल में क्लिक करिए। प्रोफाइल में क्लिक करने के बाद नॉर्मल आ जाइए सेटिंग पर। सेटिंग पर क्लिक करिए। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर आ जाएगा योर चैनल स्टेटस एंड फीचर्स। यहाँ पर क्लिक करिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आपका पूरा चैनल का जो है पूरा डेटा यहाँ पर दे देगा। पूरा स्टेटस आपको यहाँ से दिख जाएगा। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, आपको अपना जो चैनल है इसको वेरीफाई करना है। यहाँ पर नॉर्मल वेरीफाई कर देना है, कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका कॉपीराइट स्ट्राइक जो है यहाँ पर आपको दिखाएगा आपको कितना कॉपीराइट क्लेम लेना है। लेकिन अभी ये चैनल न्यू है, इसलिए यहाँ पर कोई कॉपीराइट स्ट्राइक या कॉपीराइट कोई क्लेम नहीं है। इसके बाद आपको मोनेटाइजेशन करना है, या हर एक चीज़ हम स्टेप बाई स्टेप दिखाएंगे। सबसे पहले आपको वेरीफाई में क्लिक करना है। तो सबसे पहले इसको वेरीफाई में क्लिक करिए। वेरीफाई में क्लिक करने के बाद आपका यह जो कंट्री है सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आप आपसे दो तरीके से वेरीफाई करते हैं, या तो बाय कॉल या तो एसएमएस। मैं यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज क्लिक किया। इसके बाद आपको जो नॉर्मल जो नंबर देना है वो नंबर आप यहाँ पर सेट करिए, फिर इसको सबमिट करिए। सबमिट करने के बाद आपको मोबाइल पर एक तो वेरीफिकेशन कोड आएगा। अब जो कोड आपको यहाँ पर डालना है, तो सबसे पहले मैं इसको कोड डाल देता हूँ। कोड डालने के बाद अभी यहाँ पर आप सबमिट करिए। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पर ये मैसेज शो करेगा, कॉन्ग्रेचुलेशन योर यूट्यूब अकाउंट इज़ नाउ वेरीफाइड। इसके बाद आपको फिर से यूट्यूब स्टेटस पे आ जाना है। यहाँ पर देखिए आपको अब लिखा देख रहा है आपको जो चैनल है वो वेरीफाइड हो चुका है। वेरीफाई होने के बाद आप देखिए आपको जो इतना सब है सब ग्रीन हो गया है। इसके बाद आपका जो मोनेटाइजेशन है इसको आप इनेबल करिए। तो इसको इनेबल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपका जो वॉच टाइम है उसको मिनिमम 4000 घंटा होना चाहिए, और मिनिमम सब्सक्राइबर है उसको 1000 होना चाहिए। इसके बाद ही आप जो यूट्यूब चैनल है उसको आप मोनेटाइजेशन कर सकते हैं। इसके बाद आप काम करिए, अब सबसे पहले यहाँ पर
सेटिंग पे फिर आ जाइए। सेटिंग में आने के बाद आप यहाँ पर जो नॉर्मल चैनल को सेटिंग है वो चेंज करिए। आपको जो करेंसी है वो यूएसए डॉलर होगा। फिर चैनल है, चैनल पे क्लिक करिए। चैनल पे क्लिक करने के बाद अगर आपको जो कीवर्ड कुछ डाल देना है कि आपका वीडियो में डिफॉल्ट कीवर्ड रहेगा, जैसे मान लीजिए यूट्यूब वीडियो, ऐसे मैं एक तो कीवर्ड डाल दिया। इस तरह से मैं और कुछ कुछ कीवर्ड डाल सकता हूँ, ठीक है, जैसे मान लीजिए डेमो वीडियो। इस तरह से आप अपना कुछ नॉर्मल कीवर्ड यहाँ पर सेट कर सकते हैं। पर क्लिक करने के बाद आप आपका जो कंट्री है वहाँ पर से आप कंट्री सेट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर फिलहाल मेरा जो कंट्री इंडिया है, मैं यहाँ पर इंडिया कर देता हूँ। ये होने के बाद आप एडवांस सेटिंग में आइए। एडवांस सेटिंग करने के बाद अगर आपका किड्स स्टूडेंट, आपका अगर किड्स अकाउंट है, तब यहाँ पर क्लिक करिए, वरना इसको डिफॉल्ट रहने दीजिए। इसके बाद आप ब्रांडिंग पे आइए, यहाँ पर नॉर्मल क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप अपना जो चैनल है या चैनल में एक तो आप इमेज शो कराना चाहते हैं, यहाँ पर नॉर्मल क्लिक करिए। यहाँ पर आ जाए आपका जो वीडियो चलेगा, इसके बाद आप नॉर्मली ये चलेगा। इसको काट दीजिए कस्टम टाइम। अभी क्या होगा, या तो कस्टम कुछ टाइम चलेगा, या तो आपको एंड तक देखना है, दिखाना है एंड तक, तो इंट्रो में दिखाना है तो इंट्रो में, तो यहाँ पर एंड वीडियो तक रखिए, बस सेव कर दीजिएगा। इसके बाद ये जो है इसको कुछ मत करिए, डिफॉल्ट रहने दीजिए। वीडियो अपलोड जो है, वीडियो डिफॉल्ट जो है, यहाँ पर आप कुछ टाइटल ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर आप अपना डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं, या से आप विजिबिलिटी जो है प्राइवेट वीडियो ये सब। जब मान लीजिए आपको वीडियो तुरंत पब्लिश करना है, तब यहाँ पर पब्लिश कर लीजिए। यहाँ पर आपको वीडियो कुछ प्राइवेट करके रखना है कि हम बाद में उसको अपलोड करेंगे, प्राइवेट कर सकते हैं या फिर अनलिस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप कुछ टैग भी लगा सकते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ टैग आपको जिस वीडियो में जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं उसके ऊपर आपको टैग ऐड करना है, उसको टैग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर आप टैग लगा सकते हैं। इसके बाद एडवांस सेटिंग में आइए। एडवांस सेटिंग के बाद यहाँ पर वीडियो के लैंग्वेज सेट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो कमेंट है, कमेंट्री को आपको ऑन कर सकते हैं, यहाँ पर जो कमेंट को हमेशा आप ऑल अलाउ कमेंट कर दीजिए। इसके बाद परमिशंस में आ सकते हैं, यहाँ पर ये सब जो है इसको आप कुछ मत करिए, इसको नॉर्मल रखने दीजिए। इसके बाद नॉर्मल यहाँ पर आप सेव कर दीजिए। ये सब सेव हो जाने के बाद आप मान लीजिए आपको आप फिर वीडियो कुछ अपलोड करना है, इसके बाद आप यहाँ पर आइए, फिर यहाँ पर वीडियो में अपलोड में आइए, फिर यहाँ पर नॉर्मल क्लिक करिए, फिर सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद आपका वीडियो जहाँ पर है उस जगह पर आप चूज करिए, यहाँ पर नॉर्मल वीडियो पर क्लिक करिए, फिर ओपन करिए। ओपन करने के बाद ये वीडियो ऑटोमेटिकली ही अपलोड होता रहेगा। आप इसके बाद आप वीडियो का जो नाम है वहाँ पर आप नाम दे सकते हैं, आपका जो नाम है, मान लीजिए जिस हिसाब से आप वीडियो दिख रहे हैं, मान लीजिए यूट्यूब वीडियो, या फिर आप अपना नेम दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन देने के बाद यहाँ पर नो करना है, क्योंकि आपका किड्स अकाउंट अगर है तो आप यस करिए, वरना नो। मोस्ट फीचर्स में आने के बाद यहाँ पर आप अपना टैग लगा सकते हैं, या अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। ये सब करने के बाद आपको थंबनेल है, थंबनेल यहाँ पर क्लिक करने के बाद और जहाँ पर थंबनेल है वो थंबनेल पे सिलेक्ट करके आप कर सकते हैं। इसके बाद ये हो जाने के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसको नेक्स्ट करिएगा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको नो करना है, इसके बाद नेक्स्ट करिएगा। नेक्स्ट करने के बाद वीडियो एलिमेंट पर इसको भी नेक्स्ट करिए, विजिबिलिटी आएगा। इसके बाद आपको वीडियो को अगर आपको प्राइवेट करना है तो प्राइवेट रखिए, या तो पब्लिश करना है तो पब्लिश करिए। अगर मान लीजिए उसका आपको कुछ टाइमर लगाना है, आपको वीडियो शेड्यूल टाइम लगाना है, या पर आइए कि कौन सा डेट पर आपको वीडियो पोस्ट होगा, या पर आप वो डेट दीजिए, कौन सा टाइम पर आपका पोस्ट होगा टाइम दीजिए, फिर यहाँ पर शेड्यूल कर दीजिए। ये ऑटोमेटिकली आपका वीडियो उस टाइम पर पब्लिश हो जाएगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल पिकासो मल्टीमीडिया को आज सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करिए, लाइक करिए, और दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू, फिर मुलाकात होता है दूसरे वीडियो में।